दोस्तों अभी रिसेंटली एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी टेक्निकल गुरुजी अपने गौरव चौधरी जी और मनु कुमार जैन जो कि रेडमी के लिए काम करते हैं उनके बीच में लॉन्च इवेंट था सैमसंग एन सीरीज के फोन का। आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे ये रेडमी नोट 7 के अराउंड जो कॉन्ट्रोवर्सी सराउंड कर रही है उसके बारे में। दोस्तों इससे पहले भी गौरव चौधरी ने अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी में कवर किया था इस रेडमी नोट 7 को। इससे पहले भी उन्होंने हमें ये बताया था कि इसमें 48 मेगापिक्सल का सैमसंग GM1 सेंसर लगा हुआ है जिसमें क्वाड एरे बार फिल्टर का यूज करके कुछ इंटरपोलेशन हो रहा है जिसकी वजह से वो जो 4 पिक्सल की एरे का बायर सेंसर एक सिंगल पिक्सल की तरह ट्रीट कर रहा है उसकी वजह से 48/4 करके 12 मेगापिक्सल की इमेजेस हमें फाइनली मिल रही हैं। अभी दिक्कत ये हुई है कि कुछ दिनों पहले सैमसंग का एम सीरीज का लॉन्च इवेंट था और उसमें ऑन स्टेज बुलाया गया था टेक्निकल गुरुजी को गौरव चौधरी जी को, और जब वो ऑन स्टेज थे तो उसी वक्त अराउंड January 29 को ये जैन जी ने अपना एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि अनबायस मीडिया प्लेटफॉर्म है ये। बहरहाल जबकि उन्होंने ब्लॉगर टेक ब्लॉगर के बारे में बात की और लॉन्च इवेंट सैमसंग का एम सीरीज का था तो बेसिकली वो पॉइंट कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर कि कैसे ये अनबायस मीडिया हो सकता है जबकि लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं स्टेज पे आकर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के फोन के बारे में हो। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी मेंशन किया कि हो सकता है कि ये फाइनेंशियल कुछ मनी की वजह से ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ हो जिस वजह से ऐसी अच्छी अच्छी बातें ऑन स्टेज की जा रही थी किसी पर्टिकुलर ब्रांड के फोन के बारे में। और फर्दर उसी ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि इससे हो सकता है कि जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनकी जो चॉइस है जो उनका बाइंग डिसीजन है वो कुछ चेंज हो जाए और इससे किसी पर्टिकुलर डिवाइस की बिक्री पे कुछ फर्क पड़े। तो बेसिकली पॉइंट आउट किया जा रहा था, मुद्दा ये था कि रेडमी नोट 7 भी इसी वक्त लॉन्च होने वाला था और जैसा कि टेक्निकल गुरुजी हमें पहले भी बता चुके हैं कि वो काफ़ी एक्साइटेड थे रेडमी नोट 7 के बारे में और उन्हें 48 मेगापिक्सल कैमरे के बारे में काफ़ी एक्साइटमेंट था। और तो दोस्तों एक और जो चीज़ थी इस पूरी कंट्रोवर्सी में कि रेडमी नोट 7 को काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस की तरह पॉइंट आउट किया जाता था, रेडमी ऐसे टाउट कर रहा था अपने डिवाइसेस को इस पर्टिकुलर डिवाइस को कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ड्यूरेबल डिवाइस है। तो फिर जो टर्न हुआ इस ट्विस्ट इस पर्टिकुलर ट्वीट के बाद जैन जी की इस पर्टिकुलर ट्वीट के बाद जो टर्न लिया इवेंट ने कि टेक्निकल गुरुजी ने अपना सबसीक्वेंट वीडियो डाला उसमें नोट 7 को चाइना से इंपोर्ट करके वो चाइनीज वर्जन को उन्होंने अनबॉक्स किया अपने चैनल पे और वो जनरली अनबॉक्स करते हैं, उन्होंने पहला बेंटेस्ट डाला और वो भी नोट 7 का जिसको रेडमी इस तरह से टाउट कर रहा है, इस तरह से एडवर्टाइज कर रहा है कि बहुत ही ड्यूरेबल फोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोन है। और उन्होंने अपने इस अनबॉक्सिंग कम बेंटेस्ट वाले वीडियो में जो पहला इनका बेंटेस्ट था उसमें उस फोन को तोड़ भी दिया। तो जो सारी कंट्रोवर्सी है वो इस बात की है कि जब उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बायस्ड करके कुछ ओपिनियन दी हैं ऑन स्टेज किसी पर्टिकुलर डिवाइस या किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में तो उन्होंने रेडमी से एक तरह से बदले की भावना से एक अपना वीडियो डाल दिया जिसमें उन्होंने फोन को इंटेंशनली तोड़ दिया है, प्रॉपर फॉलो नहीं किया है तरीका बेंटेस्ट का जैसा कि स्टैंडर्ड बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, वैसा नहीं किया है। इंटेंशन उनकी ये थी कि वो फोन को किसी तरह से तोड़ दे बस, तो उन्होंने फोन को तोड़ दिया फाइनली अपने उस वीडियो में और इस तरह से उनका पहला बेंटेस्ट में जो पहला फोन उन्होंने टेस्ट किया वो अनसक्सेसफुल रहा। तो ये थी कंट्रोवर्सी का पूरा हिसाब किताब लबालबाब यही था। तो चलिए ईंट का जवाब आपने पत्थर से दे दिया, आपको कोई आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी हस्ती हो और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही ट्विटर आप यूट्यूब पे बहुत बड़ी हस्ती हो, आपको ट्विटर पे कोई ऐसे नेम शेम करता है कि आपका ना आपका आपकी ओर पॉइंट करके कुछ बोल रहा है तो आपने उसका जवाब दे दिया अपने सबसिक्वेंट वीडियो में। चलिए ठीक है, बात यहाँ पे सेटल हो जाती है। पर जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो इस बात पे उठाए जा रहे हैं क्या बेंटेस्ट जरूरी था या क्या बेंटेस्ट का आपका तरीका सही था। तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर है गुरुजी और मेरी इंस्पिरेशन है वो। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट चैनल के चैनल सेक्शन में जाएंगे, चैनल का डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो जो एक चैनल टैब होती है वहाँ पे मैंने इंस्पायर्ड बाय चैनल्स की एक लिस्ट बनाई है, उसमें टेक्निकल गुरुजी टॉप में है। तो टेक्निकल गुरुजी से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और अपने इसी पर्टिकुलर रिव्यू में जिसमें उन्होंने बेंटेस्ट भी किया है, उन्होंने रेडमी नोट 8 के
रेडमी नोट 7 सॉरी रेडमी नोट 7 के कैमरा को 48 मेगापिक्सल को यही बताया कि रेगुलर मोड में ये 12 मेगापिक्सल आउटपुट देता है, जो कि वो अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके थे पहले ही। फिर बाद में उन्होंने ये भी बोला कि प्रो मोड पे जाने पे आपको 48 मेगापिक्सल पूरे पूरे मिल जाते हैं, उतने बड़े रेजोल्यूशन का मिल जाता है। अभी दोस्तों पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ इसी बात पे थी कि ट्विटर पे जैन साहब ने कुछ बोला तो यूट्यूब पे इन्होंने उनका फोन तोड़ दिया, दैट्स इट। ये थी कंट्रोवर्सी। मुझे लगता है ईट का जवाब पत्थर से दिया है, बात सेटल हो गई, मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। और तरीका फॉलो नहीं किया है, ठीक है वो गलत था टेक्निकल गुरुजी के साइड पे, और फोन को बहुत बार चाइनीज ये चीज हाईलाइट करने की कोशिश की है कि चाइना मेड है ये फोन, और मतलब जो भी इंडियन सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की है, ऐसा मॉड करने की कोशिश की होगी। उन्होंने अपने सबसीक्वेंट वीडियो में ये बोला कि अब देखना ये है कि Redmi Note 7 जो कि फेक 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन है वो इंडिया में लॉन्च होगा, या Redmi Note 7 Pro जो कि 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन है वो लॉन्च होगा। अब दोस्तों फेक 48 मेगापिक्सल कहना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि वो उस चीज़ को पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 48 मेगापिक्सल में वहाँ पे इंटरपोलेशन हो रहा है जिसकी वजह से 12 मेगापिक्सल का आउटपुट मिल रहा है आपको, और फिलहाल प्रो मोड में तो आपको 48 मेगापिक्सल मिल ही जा रहा है रेजोल्यूशन। और वैसे भी रेजोल्यूशन का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, रेजोल्यूशन का फर्क सिर्फ तब पड़ता है कि आपको इमेज बहुत ज्यादा जूम करनी हो या कोई पर्टिकुलर छोटा सा हिस्सा उससे क्रॉप आउट करके निकालना हो तो डिटेल्स थोड़ी प्रिजर्व रहती है, डिटेल्स थोड़ी बनी रहती है इमेज में उसके बाद भी। और हम अपने फोन के वीडियोज को फोन की इमेजेस को ज्यादातर इस पे सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, और सोशल मीडिया पे ज्यादा जूम करने का स्कोप होता नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आप अपलोड करते हो तो ज्यादा जूम करने का कोई स्कोप होता नहीं वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से 48 मेगापिक्सल का वैसे भी कोई ज्यादा कुछ खास मतलब है नहीं, आपको कैमरा अगर क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो आप कोई भी कैमरा ले सकते हो। और दूसरा जहाँ तक फोन की ड्यूरेबिलिटी का क्वेश्चन है तो टेक्निकल गुरुजी ने ही पहले बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में, ऐसा बोला था कि अगर वो कोई फोन तोड़ना चाहे तो कोई भी इंसान इतना अगर ठान के बैठ जाए कि फोन तोड़ना है तो तोड़ ही देगा, तो ये भी उनका पॉइंट पहले से ही चला आ रहा है। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि टेक्निकल गुरुजी ने थोड़ी सी तो गड़बड़ की है यहाँ पे, पर यार उनका भी तो पहले नेम शेम किया गया है तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बराबर का ही मुद्दा चल रहा है, बस वो 48 मेगापिक्सल को फेक 48 मेगापिक्सल बोलना ये बहुत ही गलत है, मतलब ये दुष्प्रचार है बेसिकली, तो ये नहीं करना चाहिए। और हालांकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर है तो उनसे थोड़ा बड़प्पन एक्सपेक्ट किया जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पर ही। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, लाइक करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या ओपिनियन आपकी इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आगे सब्सिक्वेंट वीडियो आप किस चीज पे देखना चाहते हैं इस चैनल में। और दोस्तों एक यूट्यूब चैनल सिस्टिक बना, वहां पे उस बंदे ने एक इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर एक दूसरा पहलू भी डिस्कस किया, उसने थोड़ी ज्यादा ब्लंट ओपिनियन दिए उस बारे में, तो हर कहानी के जैसे दो पहलू होते हैं, आप दूसरा पहलू वहां पे जाके देख सकते हैं। मैंने सारे वीडियो जो इस वीडियो में रेफर किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।